अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सेंटोसा बार में आग लग गई है। इन लोगों से पूछो बार में कौन कौन थे। पेल्विक बोन का साइज और शेप देखकर तो ऐसा ही लगता है कि एक लड़की का स्कल है। देखिए वो कल रात को वहाँ पर जो आग लगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। दीदी सर, सर आप ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं हाँ बोलो। हम भी जानना चाहते हैं कि तुम रेशमा को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हो। कौन है ये? कैसे जानती हो तुम इसे? क्यों बचाना चाहती हो इसे? नहीं सर, मैं इसे बचा नहीं रही। आप लोगों को धोखा हुआ है। हाँ सर, ये सच कह रही है। मैं सचमुच कुछ नहीं जानती। तुम्हें पता सब कुछ है मगर तुम झूठ बोल रही हो। तुम वहाँ बाहर से अचानक गायब क्यों हो गई थी? नहीं सर। अरेस्ट करो इसे, ब्यूरो में लेके चलो, सब याद आ जाएगा। अरेस्ट करो। नहीं सर, हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। CID में हो या उसके साथ? सर, सर प्लीज मेरी बात मानिए। मैं वहाँ पर सिर्फ काम करती हूँ। वहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं कुछ भी नहीं जानती। तो अचानक आग लगने से पहले तुम वहाँ से गायब कैसे हो? मैं डर गई थी। क्यों? तुम्हें मालूम था वहाँ कुछ होने वाला है? वो सर मैं सब वो कह तो रही है, उसे कुछ नहीं पता। इन्हें सब पता है, ये बकवास कर रही है। हमें इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप आइए हमारे साथ, आइए प्लीज। ये कहीं नहीं जाएगी। अदिति तुम्हें जरूर कुछ हो गया है, दिमाग घूम गया है तुम्हारा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रही हो। सर, मैं आपको इस तरह रेशमा को अरेस्ट नहीं करने दूंगी। अदिति कर लीजिए। नहीं सर, पहले आप रेशमा को यहाँ से जाने दीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है सर, मत जाने दीजिए रेशमा को, मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। नहीं अदिति प्लीज। रेशमा तुम इसे कहो। रेशमा तुम जाओ यहाँ से। अदिति जल्दी। नहीं रेशमा, रेशमा रेशमा रुक जाइए। अगर आप लोगों ने रेशमा को पीछा करने की कोशिश की तो मैं संभालो अपने आप को, गन नीचे करो प्लीज, दिमाग ठंडा करो अपना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि वो गन तुम्हें इसलिए दी कि तुम उसे अपने सिर पर लगा लो? गन दो तुम्हारी, चुपचाप अपनी गन दो अभी। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लड़की उस सेंटोसा बार में मारी गई है शायद उसका खून रेशमा ने किया हो? नहीं सर, रेशमा किसी का खून नहीं कर सकती। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि रेशमा ने यह खून नहीं किया? हाँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। बचपन से देखा है मैंने उसे। रेशमा मेरी बहन है सर। क्या रेशमा तुम्हारी बहन है? मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ है मुंबई में और किसी बार में काम कर रही है। 3 साल पहले वो घर छोड़कर चली गई किसी लड़के के साथ। मगर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि रेशमा तुम्हारी बहन है? सर, उस दिन बार में जब मैंने रेशमा के बारे में सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं क्या करूं? मैं खुद जानना चाहती थी सर कि वो जिंदा है या नहीं। मैं फिर भी आपसे कह रही हूं, रेशमा ने कुछ नहीं किया। वो किसी का खून कर ही नहीं सकती सर। अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर वो
इस तरह भागी क्यों? और फिर वो लड़की कौन है जिसे उस रात सेंटोसा बार में जला कर मार दिया? मुझे नहीं मालूम साहब, डांस करने वाले लड़कियों के अलावा उस रात मेरे बार में और कोई भी लड़की नहीं थी साहब। आपको पक्का पता है? हाँ साहब। आपके यहाँ काम करने वाली लड़कियों का कोई ना कोई रिकॉर्ड तो रखते होंगे आप लोग, जैसे फोटोग्राफ्स, किसी किस्म का कोई एल्बम? ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखते साहब, और एल्बम तो उस रात बार में जल गए। आप बार में फोटो नहीं खींच सकते? बट अंकल बैचलर पार्टी है, अगर दो चार फोटो खींच भी ले तो क्या होता है? उस रात बार में बैचलर पार्टी थी, बहुत सारे लड़कों का एक ग्रुप था, वो लोग फोटोग्राफ्स निकाल रहे थे। हो सकता है उन फोटोग्राफ से आपको कोई मदद मिल जाए। चलो ध्यान से देखो इस फोटोग्राफ को और बताओ इसमें कौन कौन है, कोई छूटना नहीं चाहिए, समझे? जी। इनमें से ही कोई जलकर मरा है उस रात। ये राइट साइड वाली लड़की कौन है? सुरेखा है साहब। अरे बगल वाली? रवीना। ये लड़की कौन है? ये मीता है साहब। मीता? ये लड़की मीता है? हाँ साहब। क्या क्या बात, क्या सर? ये लड़की मीता नहीं है सर। जिस मीता से हम लोग कल मिले थे वो ये लड़की नहीं है सर, वो कोई और ही है। इसका मतलब है वो कंकाल मीता का है, मीता का फोन लिया है। हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए कि मीता के घर में वो दूसरी लड़की कौन थी। पता नहीं कौन थी वो लड़की जबरदस्ती रात को मेरे घर में घुस आई थी, और उसके साथ दो लोग और भी थे। दो लोग थे? हाँ, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने मेरे सर पे बंदूक रख के कहा था कि मैंने अगर किसी को इस लड़की के बारे में बताया तो वो लोग मेरी बेटी मीता को मार देंगे। इसी डर की वजह से मैं छुप रही थी। I'm sorry, madam. मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उन लोगों ने मीता को मार दिया। मैडम मैडम प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को। मैडम प्लीज, मुझे मालूम है लड़की की मौत की खबर सुनना इतना आसान नहीं है, फिर भी मीता की खूनियों को पकड़वाने में सिर्फ आप हमारी मदद कर सकती हैं। क्या आप बता सकती हैं कि वो लोग कैसे थे, क्या बातें कर रहे थे? वो किसी के बारे में बातें कर रहे थे कि उसने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम? वो कह रहे थे कि अच्छा किया जो उसने सीआईडी वालों के आने की खबर पहले से ही दे दी थी। सीआईडी के आने की खबर? थैंक यू मैडम, आपकी बताई हुई ये छोटी सी बात हमें मीता की फोनियों को पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ अभिजीत, वो लड़की मिली? नहीं सर, हमारे पहुंचने से पहले वो गायब हो गई। गायब हो गई? कैसे? सर उसे पता चल गया था कि हम लोग आने वाले हैं। अरे तुम लोग मीता के घर में जाने वाले हो, ये बात किस किस को मालूम थी? एक तो वो बार का मालिक, दूसरा वो एजेंट, और बाकी सब लोग जो वहां उस वक्त मौजूद थे बार में, उन सब को ब्यौरा मिलेगा। नहीं सर, इनमें से किसी को भी नहीं मालूम कि उस रात बार में क्या हुआ था। यहां सब लोग मौजूद हैं जो उस रात उस बार में थे, कोई छुटा तो नहीं? सर एक आदमी। कौन? उस होटल में जितने डांसर्स काम करती हैं उनका एजेंट नहीं है सर। कौन है वो? लीमन। सर ये तो मार गया, लगता है किसी ने गोली मार दी इसे। उसके बारे में से सब कुछ पता होगा तभी ये मारा गया। अगर ये सीआईडी के सामने मुंह खोलता तो कोई ना कोई जरूर फंसता, इसलिए उसने इसे रास्ते से हटा दिया। करके अच्छी तरह से तलाशी लो,
शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चले कि खूनी कौन है। सर आप एड्रेस ये देखिए, काफी सारे रुपए छुपा कर रखे हुए हैं। एकदम नए नोट है, शायद आजकल में बैंक से निकाले गए। अगर ये पता चल जाए कि ये नोट रिजर्व बैंक ने किस बैंक को दिए, तो वहां से पता चल जाएगा कि बैंक से ये नोट किसने मांगे। यस सर, ये नोट हमारे बैंक से निकाले गए, मिस सुचिता के अकाउंट से निकाले गए ये पैसे। मिस सुचिता, ये कौन? ये नाम हमने पहले तो नहीं सुना, जरा आप उनका एड्रेस दे सकते हैं? जी सर, अभी देखता हूँ। उनका एड्रेस है सी व्यू अपार्टमेंट, जेम्स रोड, गिरगांव। सर मैं तो गिरगांव में रहता हूँ, वहां पे तो कोई जेम्स रोड नहीं है। जेम्स रोड नहीं है, मतलब पता गलत लिखा है। इस लड़की का फोटोग्राफ तो है ना आपके पास? जी नहीं सर, फोटोग्राफ तो नहीं। एक्चुअली उनका अकाउंट काफी पुराना है, हमने कई बार उनसे फोटोग्राफ मांगे लेकिन उन्होंने कभी दिए नहीं। एक तो सुचिता का पता भी गलत है और फोटोग्राफ भी नहीं। ये लड़की कुछ गड़बड़ है बॉस, जरा बता सकते हैं उनके अकाउंट में क्या क्या हुआ? सर अचानक इन्होंने बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लिया है। एक्चुअली इनके अकाउंट में 25 लाख रुपए थे, जिसमें से 10 लाख रुपए का चेक इन्होंने दिल्ली में किसी को दिया है। इसका मतलब सुचिता ने यहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर ली है। मैनेजर साहब, आप जल्दी से जल्दी बताइए कि वो 10 लाख रुपए दिल्ली में किसे दिए गए। हेलो मिस्टर प्रशांत जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी मुंबई से। हमें आपका नंबर एक बैंक से मिला है। देखिए आपको किसी सुचेता नाम की लड़की ने 10 लाख रुपए दिए। दिए? क्यों दिए वो 10 लाख रुपए? फ्लैट खरीदा है आपसे? अच्छा, वो लड़की दिल्ली में है अभी? आज रात चाबी लेने आने वाली है। ये कौन सा टाइम हुआ चाबी लेने? हाँ ठीक है, या आज रात को 8 बजे। ओके थैंक यू। आज रात 8 बजे, मतलब वो 5:30-6 बजे की फ्लाइट पकड़ने वाली है मुंबई से। अभिजीत दिल्ली के लिए आखिरी फ्लाइट है, फ्लाइट जाने का टाइम तो हो रहा है, फिर भी करीब 1 घंटा है। 1 घंटा है तो सुचिता अब तक तो यहाँ पहुँच जानी चाहिए, यही कहीं होगी अब। इसी फ्लाइट से जाने की कोशिश करेगी। एक मिनट प्लीज। हम लोग सीआईडी से, जरा आप लिस्ट चेक करके बता सकते हैं कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सुचेता नाम की कोई लड़की है क्या? अभी बताती हूँ सर। सुचेता नाम का इस लिस्ट में कोई है ही नहीं। थैंक यू। ओके। हो सकता है उसने टिकट किसी और नाम से लिया। हाँ हो तो सकता है, यही कहीं होगी। फैल जा चारों तरफ। जाने वाली फ्लाइट में रेशमा नाम की कोई पैसेंजर है? रेशमा? जी हाँ। रेशमा? हाँ रेशमा है, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेक इन किया है, मतलब वो एयरपोर्ट पर आ चुकी है। यात्री की पहचान दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 867। मैं यहीं पर हूँ एयरपोर्ट पर। तुम कहाँ हो? कहाँ? टीडी स्टोर में। जल्दी करो, फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ मैं इंतजार कर रही हूँ। Yeah, I'm waiting. Yeah, that's right. रेशमा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम खूनी भी हो सकती हो। लीमन को तुम्हीं ने मारा है ना? कौन लीमन? मैं किसी लीमन को नहीं जानती। झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। क्या जानती हो तुम? इन 3 सालों में मैं कैसे जी रही हूँ इसके बारे में पता करने की कोशिश भी की तुम लोगों ने? ऐसा तुम्हें लगता है? मैंने मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। ओ प्लीज प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। कहाँ जा रही हो तुम? बाथरूम। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अब नहीं भाग पाओगी तुम। यू आर अंडर अरेस्ट। अगर सुचिता यहाँ से निकल भी गई तो भी वो हमारे यहाँ से बच नहीं सकती।
दिल्ली में वो उस बिल्डर के पास तो जाएगी अपने फ्लैट की चाबी लेने के लिए। हाँ, हम दिल्ली में सीआईडी को फोन कर सकते हैं, वो वहाँ बिल्डर के ऑफिस में निगाह रखेंगे। क्या हुआ है? सर, एक लड़के को पूरी तरह चोट आई है, वो बाथरूम में पड़ी है सर। किसी ने उसे बहुत मारा है सर। अदिति, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ? सब हाँ, रेशमा सर। हाँ, रेशमा को क्या? सर, सुचेता ही रेशमा है सर। उसका असली नाम सुचेता है सर। वो यही है सर, एयरपोर्ट पे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरे सर पे मार दिया और वो भाग गई। कहाँ भागी है वो? पता नहीं सर, वो अभी भी एयरपोर्ट में ही होगी। बात कर रही थी, मैंने सुना था। क्या बात कर रही थी? वो कह रही थी कि फ्लाइट मिस हो जाएगी और तुम अभी तक केडी स्टोर में क्या कर रहे हो? केडी स्टोर? मार्केट में वो आदमी क्या करने आएगा? दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट के बजाय वो यहाँ क्यों आएगा? वो सामान खरीदने तो यहाँ आएगा नहीं, या तो वो यहाँ किसी से मिलने आने वाला है, या फिर क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। चारों तरफ फैल जाओ, चुपचाप देखते रहो। क्या भाग रहा? अभी दिल्ली बहुत दूर है। तुम्हारी फ्लाइट छूट चुकी है। क्यों? रेशमा उड़ गई तुम्हें छोड़कर। कौन रेशमा? अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी रेशमा को नहीं जानता हूँ। अच्छा, नहीं जानता? रेशमा का नाम तो सुना है। नाम भी नहीं सुना मैंने। इसने नाम भी नहीं सुना है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? अभी कुछ याद आया? मैं और रेशमा वहां बार में आने वाले लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे। ब्लैकमेल? वहाँ बार में काफी बड़े बड़े लोग आते थे, रेशमा उनके बाजू में जाके बैठ जाती थी। मैं रेशमा की उन लोगों के साथ फोटो ले लेता था और उन्हीं फोटोज से मैं उन लोगों को ब्लैकमेल किया करता था। लेकिन तुमने मीता को क्यों मारा? मीता को पता चल गया था कि मैं और रेशमा क्या कर रहे हैं। वो बार बार धमकी देती थी कि पुलिस में चली जाएगी। उस दिन जब वो डांस करके बाहर निकली, मैंने पूरी ताकत से रॉड उसके सिर पे दे मारी। क्या कर रही हो तुम? इस तरह से चलाओगी तो सबको पता चल जाएगा।
बार वहां से भाग गए। मीता का खून किया, लीमन का खून किया, बार में आग लगाई, अब और क्या करोगे? रेशमा भी नहीं बच सकती हमारे हाथों से, समझे? सर, उसे मैं ढूंढ कर लाऊंगी। दो बार मेरी वजह से वो हमारे हाथों से निकल गई, अब उसे वापस भी मैं ही लाऊंगी, वो जहां कहीं भी हूं।